हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन मोर क्वेश्चन ऑफ गेट 2022। क्वेश्चन इज फ्रॉम द असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम हमारी एलपीपी में आती है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में। असाइनमेंट प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन के बाद में करेंगे, पहले असाइनमेंट के सॉल्व करते हैं, वो भी इजिएस्ट फॉर्म में, शॉर्टकट मेथड से। ओके, देखो क्या क्वेश्चन है। तीन कंपनियां गिवन है, C1, C2, C3, और तीन टाइप की जॉब गिवन है, J1, J2, J3। ठीक है, तो आप यहां पर इसको पूछा जाता है कॉस्ट ऑफ ऑप्टिमल असाइनमेंट, पूछा है कितना होगा। ऑप्टिमल असाइनमेंट आपको बताना है, लेकिन हम इसके लिए हंगेरियन मेथड यूज करते हैं। हंगेरियन मेथड से आप कर सकते हैं, वो भी ईजी है, लेकिन मैं आपको उससे भी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको कैसे करना है। तो हमें करना ये होगा, जब भी असाइनमेंट प्रॉब्लम इस तरह की आपके सामने आती है, तो हम इनकी तीनों रोज में जो मिनिमम असाइनमेंट है उसको देखेंगे। सबसे पहले देखो C1 में, देखो C1 जो पहली वाली रो है, इसमें सबसे मिनिमम वैल्यू ये है, असाइनमेंट मिनिमम 8 है यहाँ पर। सेकंड रो में देखो मिनिमम क्या है, यहाँ पर ये मिनिमम है 9। थर्ड रो में देखो, थर्ड रो में ये 9 मिनिमम है, लेकिन हम इसको चूज नहीं करेंगे क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में पहले से ही 8 हमने चूज कर लिया है, हमने 8 को पहले सेलेक्ट कर लिया है, इसलिए हम अगेन इस कॉलम में दूसरी वैल्यू को चूज नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। अब हम करस्पॉन्डिंग कॉलम में चलते हैं, J1 में देखो, J1 में ऑलरेडी चूज हो चुका है। J2 में देखो, J2 में ये मिनिमम है 10, तीनों वैल्यूज में 12, 15 एंड 10 में मिनिमम को चूज कर लिया हमने 10 को। ठीक है, J3 में ऑलरेडी हमने चूज किया हुआ है, बस ये ध्यान रखना है आपको, करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम में एक ही मिनिमम को चूज कर सकते हैं, दो को नहीं करेंगे हम कभी भी। तो इसलिए हमने यहां 9 नहीं चूज किया, क्योंकि इस कॉलम, क्योंकि हमने 9 यहां इसलिए चूज नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी हम चूज कर चुके 8 इस वाले C1 में। ठीक है, अगर हम C3 में 9 को नहीं चूज करते क्योंकि इसकी करस्पॉन्डिंग कॉलम में 8 आ चुका है पहले से। ओके, तो अब ये कह रहा है कि कॉस्ट पूछिए ना, मिनिमम असाइनमेंट कितना होगा, कॉस्ट द ऑप्टिमल असाइनमेंट। तो हमें यहाँ पर कॉस्ट फाइंड करनी है, जो भी मतलब ऑप्टिमल असाइनमेंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा बल्कि इन तीनों का सम हो जाएगा। तो ऑप्टिमल असाइनमेंट कितना हो जाएगा जी, ऑप्टिमल असाइनमेंट हो जाएगा 9 + 8 + 10 विच इज इक्वल टू 27। तो यार आंसर हो गया 27। देखो कितना शॉर्ट तरीके से मैंने आपको कराया है। ठीक है, इसका आंसर 27, बस हो गया, क्लियर, इतना ही थी। तो इस तरह की शॉर्ट ट्रिक्स को जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर अमंग द फ्रेंड्स। थैंक यू अगेन।